मुरीगार, अरे सुबह सुबह तक तुम अब तक पेपर नहीं लाए हो यार। आज का ताजा समाचार क्या है? जल्दी लेके आओ पेपर लेके आओ। जी सरपंच जी लाते हैं। हाँ जल्दी लेके आओ। झंडू बम का हम सरपंच है, आवाज तो सही से नहीं निकलता मेरा। अरे बॉडीगार्ड आओ ना, इतना लेट कहाँ रे? खाली ये सरपंच आ गया। पेपर लीजिए। पेपर से आया। पेपर बहुत अच्छे। आगे क्या करो? इधर आओ। सरपंच का बॉडीगार्ड करते करते उसका बीबी को लेके भाग गया। ये तो सरपंच शादी करने जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, सरपंच जो है शादी का भोज में खाने जा रहा था, निमंत्रण में सरपंच का एक्सीडेंट। साला खाली सरपंच जैसे। हाँ रात को सोया सरपंच और उसको उठा के ले गया साला खाली सरपंच का। हाँ अभी भोज से आदमी परेशान, एक एक सरपंच को एक एक मुखिया जी को कम से कम 400 कार्ड और कम से कम हजारों हजारों निमंत्रण। भोज खाते खाते उस पर छापा साला। कभी सरपंच का बीबी को लेके भाग जाता है, कभी सरपंच का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सरपंच का भोज खा लेता है सभी सरपंच। कुछ पेपर वाले को नजर आता है कि नहीं? सरपंच के अलावा कुछ नजर आता है कि नहीं? साला एक साल हो गया है, पैसा पूरी तो कमाया हुआ नहीं है और कुछ होता नहीं है। साला केस पेस होता नहीं है। जबरदस्ती सोचता हूँ कि दो तीन तो झगड़ा लगा दूँ, लेकिन साला झगड़ा भी नहीं लगता आजकल। साला बॉडीगार्ड को बोलता हूँ साला ये खाली खड़े खड़े रहे, खाली खाता पीता है। कम से कम जाके कम से कम इसका बीबी का उसका बीबी का लगा तो झगड़ा होगा, कुछ नहीं करता है, खाली खड़ा रहता है। तुमको थोड़ा सा अकल है, कम से कम केस उसने आता तुम जाके कम से कम करवाओ, कुछ ना कुछ करवाओ, किसी का लड़की को छेड़ दो और कुछ होगा तो देखेंगे हम। कम से कम कुछ तो कमाएगा साला, कुछ तो भीड़ लगेगा साला। कुछ सोचता है कि साला नाम का खाली सरपंच है, जाता हूँ तो साला खाली चाय का दुकान में फुसुरफाए करता है कि साला सरपंच का क्या मिले। सरपंच तो मेरे चाय से बिक जाता। सरपंच जी प्रणाम। अरे लड्डू तुम इधर कैसे रहे? अरे सरपंच जी हम घर में गए। हाँ आप घर में थे ही नहीं, क्या करने आया था? अरे काट देना। काट देना, हम काट नहीं लेंगे। सरपंच सुनिए ना पहले। हाँ मेरे पापा और मम्मी का शादी है। तुम्हारे पापा मम्मी का शादी है? हाँ नहीं लेंगे हम काट। देखिए काट में। हाँ तुम्हारा पापा का क्या हुआ, हम क्या करेंगे तब? आपने क्या ये करा? मेरे पापा मम्मी का शादी नहीं होगा सरपंच जी। तो फिर हम पैदा कैसे होंगे फिर से? अरे बात तो सही बोल रहे यार, लेकिन हम पैसा लाएंगे कहाँ से? इतना भोज खाने का पैसा है नहीं मेरे पास। ओ सरपंच जी आइएगा जरूर। हमारे साला बगान में आ गए और तुम बोल रहे हो कि खाली बार बार शादी का क्या करूं मैं इसका। ठीक है जाओ, ठीक है तुम्हारा एक्सेप्ट किया, जाओ निकलो यहाँ से। कहीं भी शांति नहीं, खाली काट और ये सरपंच साहब बोलती हो वो सरपंच साहब बोल ना रहे। मेरा और मेरा बीबी का शादी है, आपको जाना है। क्या करने हैं? जाना है रे, भोज खाने के लिए आपको जाना है। हमको नहीं जाना है। क्या काट देंगे? क्या काट देंगे? क्या इतना डरा दिया तुम लोग? बाप रे बाप, सला घर में भी रहता हूँ तो ना काट जाता है और बगान में भी रहता हूँ, जैसे लगता है कि कसाई लेके काट देगा सला। इसका शादी में जाएंगे जरा 100-150 रुपए पेट्रोल डीजल है और जाते हैं इतना दूर 12-13 किलोमीटर और ऊपर से फिर ये दो उतना खाना तो हर दिन डेली खाते हैं। अगर नहीं जाएगा किसी का शादी उदी में बहुत परेशान होंगे सरपंच करेंगे।